हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, काला करने का तरीका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद भी आने वाली है। और आज मैं जो बताने वाली हूँ, जिसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, बस 2 से 4 इंग्रेडिएंट से आप जो है अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पर हाँ, याद रखियेगा आप इसे वीक में जो है 2 से 3 बार यूज करेंगे। और देखिये, जो ये रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको 1 हफ्ते बाद जो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देने वाला। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 2 मिनट में आपके बाल काले हो जाएंगे, पर हाँ, इसको 2 से 3 बार इसको यूज करेंगे 30 से 40 मिनट के लिए अपने बालों पे, और देन उसके बाद आप अपने बालों को जो है वॉश कर सकते हैं किसी भी शैम्पू कंडीशनर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ ब्राह्मी लीव पाउडर। तो वैसे तो इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जो है अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ ब्राह्मी लीफ पाउडर। तब आपको पता है ब्राह्मी लीफ पाउडर जो होता है हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है। ये हेयर की ग्रोथ तो बढ़ाता है, साथ के जो स्कैल्प पे जो काफी इचिंग की प्रॉब्लम होती है, काफी सारी जो हम लोगों के बालों में जो व्हाइटनेस आ जाती है, उन सबको जो है ठीक करता है। और साथ के साथ ये बालों को मसाज करने से जो है हमारे बालों में एक अच्छे से एक जो है कंडीशनिंग करता है। साथ के साथ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है इसके अंदर। डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है, और जो आपकी इचीनेस हो जाती है, पसीना आता है, उसमें स्मेल होती है, वो सारी चीजों को ठीक करता है, और साथ के साथ हमारे सफेद बालों को काला करता है। तो देखिये, यहाँ मैं जो 1 चम्मच के करीब लूंगी ब्राह्मी पाउडर है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप जो है वैसे उसमें भी ढूंढ सकते हैं अमेजोन में, वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यहां मैं डालने वाली हूँ ब्राह्मी पाउडर, बिल्कुल सेम ये मेहंदी के कलर जैसा आप देख सकते हैं, बट यहाँ हम जो बिना मेहंदी के भी हम अपने बालों को काला कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्राह्मी पाउडर ऐड किया है। देखिए, सेकंड चीज जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप देख सकते हैं इस तरीके का ये पाउडर है, ये है नागर मोठा पाउडर है। अब आपको पता है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल करता है, हमारे बालों को काला करता है, और साथ के साथ इसका जो कलर होता है काफी अच्छा फाइन पेस्ट बना के जो है हम इसे जो है काला कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ जो है नागरमोटा क्या करता है, हमारे जो है जो स्ट्रेंथ होती है बालों की, उसको काफी रूट्स में जाके जो है काफी अच्छा जो बालों को अच्छा करता है। साथ के साथ एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे सफेद बालों को जड़ से काला करता है। तो देखिये, नागरमोटा का कलर भी आप देख सकते हैं कुछ चौको पाउडर की तरह कलर है। तो यहाँ हम जो लेने वाले हैं, सबकी क्वांटिटी को सेम लेना है, ऐसा नहीं कि आपको किसी को कम या ज्यादा लेना है, आपको सभी क्वांटिटी को सेम लेना है, और आप अपने सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है बिना मेहंदी डाई के जो है आप लोग जो है ले सकते हैं। यहाँ मैं जो है नारियल तेल जो ऐड करने वाली हूँ, वो आप जो है नारियल तेल की जगह आप जो है कलौंजी तेल भी ले सकते हैं। इस तरीके का मेरे पास नीचे शेयर का जो है कलौंजी तेल है, ब्लैक सीड ऑयल, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है पैराशूट ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, आप इनमें से कोई सा भी ऑयल लीजिएगा। यहाँ जो है मैं कलौंजी तेल लेने वाली हूँ। देखिए, कलौंजी ऑयल जो है यहाँ पर लूंगी मैं, और याद रखिएगा आप इसके अंदर कोई भी पानी ऐड मत कीजिएगा। यहाँ पर बिना पानी के हम अपने सफेद बालों को काला करके दिखाएंगे। और हाँ, आप इसमें जो अगर नारियल तेल भी ऐड करेंगे तो ज्यादा आपको कोई भी जो है हार्म नहीं होने वाला है। आप नारियल तेल भी 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप जो नारियल तेल जो भी आप यूज करते हैं, कोई भी ब्रांड का करते हैं, मैं यहाँ जो पैराशूट का जो है नारियल तेल ले रही हूँ, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसी को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन हमारा ये पाउडर जो बनके तैयार हो जाएगा, और आप इसे जो किसी भी ब्रश की सहायता से आप अपने बालों पे इसे लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से इसको बना के अपने सफेद बालों पे या पूरे बालों पे भी आप इसे ट्राई कर दीजिएगा, देखिए रिजल्ट काफी अच्छा मिलने वाला है। ये देख सकते हैं, ये पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते सपोर्ट कीजिएगा, आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो जो मैंने पाउडर यूज किया है। ये देख सकते कितना ज्यादा ब्लैकिश हो चुका है। बस इसी तरीके से नेचुरल तरीके से आपके बाल भी जो है काले होने शुरू हो जाएंगे। बस ये पेस्ट आपके पूरे बालों के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा, और आपके बाल जो है काफी अच्छे से जो है शाइनिंग करेंगे। इचीनेस की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, उन सबको ये दूर कर देगा। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।